यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। When a train starts, the head of a standing passenger seems to push backward. ठीक है, सही बात है ना। जब भाई ये तुम एक्सेलरेट करते हो तो जो तो अगर तुमने कुछ पकड़ नहीं रखा तो तुम्हारा हेड थोड़ा पीछे से जाता है ना। ठीक है, एनालाइज द सिचुएशन फ्रॉम द ग्राउंड, डज इट रियली गो बैकवर्ड। अगर कोई पूछे क्या वो सच में पीछे जा रहा है, कभी भी कोई ऐसे पूछे ना कि असलियत में बताओ एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो उसमें चांटा खींच के लगाना, क्योंकि भाई असलियत फ्रेम डिपेंडेंट होती है। असलियत जैसे इस दुनिया में कुछ नहीं, हर एक फ्रेम में अलग अलग होती है, हर एक इंसान का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है, उसी तरह से हर अलग अलग फ्रेम में, हर अलग अलग फ्रेम में अलग अलग रिजल्ट निकल के आते हैं और सभी इक्वली राइट होते हैं, सभी इक्वली राइट होते हैं ना। सो कमिंग बैक टू द ट्रेन फ्रेम है ना। ठीक है, अच्छा कह रहे हेड टू, ठीक है, कमिंग बैक टू द ट्रेन फ्रेम, हाउ डू यू एक्सप्लेन द बैकवर्ड मूवमेंट्स ऑफ द हेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। क्या है, व्हेन अ ट्रेन स्टार्ट द हेड ऑफ द जस्ट सीम्स टू पुश बैकवर्ड, एनालाइज द सिचुएशन फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। तो चलो पहले ग्राउंड फ्रेम से करते हैं। तो ग्राउंड फ्रेम से अगर अपन देखेंगे तो हो क्या रहा है, इसको अपन ऑलरेडी कर चुके अभी है ना, ये एक सेम क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी सॉल्व करा है ना, इसको अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके ना। तो ग्राउंड फ्रेम में क्या हो रहा है, अगर तुम एक्सेलरेट कर रहे हो तो तुम्हारे पैर तो अगर गए, तुम्हारे पैरों पर तो फ्रिक्शन लग गया, तो तुम्हारे पैर तो भाई तुम्हारे पैर तो आगे चले गए है ना, पर तुम्हारी तुम्हारा जो है तुमने कुछ पकड़ नहीं रखा तो तुम्हारा सिर आगे नहीं जा पाया उतनी स्पीड से, तो सिर वहीं का वहीं रह गया है ना। तो असलियत में तुम्हारा है ना, अगर हम ग्राउंड, असलियत वर्ड में भी यूज कर देता हूं पर यूज नहीं करना चाहिए, ग्राउंड फ्रेम से बात करें तो ग्राउंड फ्रेम से तुम्हारा हेड पीछे नहीं जा रहा है, तुम्हारा हेड तो आगे ही जा रहा है। थोड़े से के लिए क्या हुआ, तुम ऐसे खड़े थे, तुम्हारे पैर आगे चले गए, तो पैर के रिस्पेक्ट में तुम्हारा हेड पीछे। और हम तो भाई उस समय ट्रेन की फ्रेम में होते ना, तो हमको ये फीलिंग क्यों आती है कि हमारा हेड पीछे गया, क्योंकि हम क्या, हम ट्रेन के रिस्पेक्ट में जज कर रहे हैं, पूरी ट्रेन और हमारे पैर आगे बढ़ गए और हेड पीछे रह गया, तो हमें लगा वो पीछे गया, पर असलियत में तो हेड भी आगे ही जा रहा है, जा तो हेड भी आगे रह जा रहा है, बस इतना हो रहा है कि पैर अगर मान लो 100 मीटर पर सेकंड से आगे गया, फॉर एग्जाम्पल, हेड तुम्हारा अभी 10 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है, फिर थोड़ी देर में बोन्स फोर्स लगाती है, बोन्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स आता है और फिर हम भी वही वेलोसिटी गेन कर लेते हैं जो पैरों के पास होती है, तो फिर वापस हम सीधे हो जाते हैं। सोचना इस पे, आराम से सोचोगे ना, आराम से सोचोगे तो समझ में आएगा। तो ग्राउंड फ्रेम में समझ में आ गया है ना, डज इट रियली गो बैकवर्ड, नो। इन ग्राउंड फ्रेम, नो। ग्राउंड फ्रेम में क्या ये बैकवर्ड जा रहा है, नहीं। क्या ग्राउंड फ्रेम में बैकवर्ड जा रहा है हमारा से, नहीं, हमारे पैर फॉरवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू द ट्रेन फ्रेम, हाउ डू यू एक्सप्लेन द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द हेड ऑन द, हाँ, अगर मैं ट्रेन फ्रेम से बात करूं, ट्रेन की फ्रेम से बात करूं, तो हाँ भाई ट्रेन की फ्रेम में तो ये पीछे जा रहा है ना। ट्रेन की फ्रेम में क्या हो रहा है, ट्रेन की फ्रेम में अपोजिट डायरेक्शन में एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी आ गई, या फिर तुम सूडो फोर्स बोल सकते हो, तो इस सूडो फोर्स ने पकड़ के इसको पीछे खींच लिया ट्रेन की फ्रेम में। हाँ, ट्रेन की फ्रेम में पीछे जा रहा है, ट्रेन की फ्रेम में पैर वहीं के वहीं है, ट्रेन की फ्रेम में, अब हम ट्रेन की फ्रेम में, तो ट्रेन की फ्रेम में हमारे लेग्स, हमारे फीट रेस्ट पे हैं और हमारा हेड पीछे गया है, तो किसने खींचा, जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी आई, जो सूडो फोर्स आया, उसने पकड़ के खींच लिया। अब तुम कहोगे सर कौन सा केस ज्यादा सही है, दोनों ही बराबर सही है। असलियत में क्या हुआ, दोनों ही असलियत है, दोनों ही असलियत है, अलग अलग फ्रेम में अलग अलग असलियत होती है ना, अलग अलग फ्रेम में अलग अलग रियालिटी होती है, रियालिटी डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये ना, ये लिखा भी हुआ है अगर है ना, हम बात करें तो है ना, कहीं ना कहीं है ना।